out again. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर आप नंबर प्लेट ऑर्डर करने जाते हैं, सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको भी कुछ इस प्रकार से एरर शो हो रहा है या प्रॉब्लम दिख रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं प्रॉब्लम हमें देखने को क्यों मिलती है। तो देखिए बार इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हीकल ओनर विद व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2019 शुड कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव ऑटोमोबाइल डीलर फॉर HSRP एफिक्सेशन। देखिए इसका मतलब यह है कि आपकी व्हीकल 1 अप्रैल 2019 के बाद की है, तो आप अपने ऑटोमोबाइल डीलर से बात करिए इस HSRP नंबर प्लेट के लिए। तो देखिए इसका मतलब मैं क्लियर कट आपको समझा देता हूँ। तो अगर आपने अपनी व्हीकल 1 अप्रैल 2019 से पहले परचेज करी है, तो आप बड़ी आसानी से इस वेबसाइट के थ्रू अपने नंबर प्लेट को ऑर्डर कर पाओगे, HSRP नंबर प्लेट को आसानी से ऑर्डर कर पाओगे। बट अगर आपने 1 अप्रैल 2019 के बाद बाइक को परचेज करी है, चाहे आप एक दिन बाद ही परचेज करे हो, चाहे 2020 में करे हो, 21, 22, 23 किसी भी सन में करे हो, 2019 के बाद अगर आपने परचेज करी है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू नंबर प्लेट को ऑर्डर नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका मैं दो ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने डीलर से बाइक परचेज करी है। अगर आप लोगों ने डीलर से बाइक परचेज करी है अपनी बाइक या स्कूटर, तो आप डीलर के पास आपको जाना है, उसको बताना है भाई मेरी नंबर प्लेट टूट गई या फिर ख़राब हो गई या फिर खो गई है, जो भी आपका रीज़न हो वो बताना है। तो वो आपके लिए न्यू नंबर प्लेट ऑर्डर कर देगा और 7 से 15 दिन में आपके घर पर नंबर प्लेट डिलीवर हो जाएगा या फिर आपको डीलर से ही नंबर प्लेट मिल जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन आ जाता है जिन लोगों ने शोरूम से डायरेक्ट बाइक को परचेज करिए, डीलर से परचेज नहीं करी, तो आपको RTO विजिट करना है। RTO में जाकर आपको बताना है भाई मेरी नंबर प्लेट वगैरह टूट गया, जो भी आपका रीज़न हो आपको बता देना है, तो आपके लिए न्यू नंबर प्लेट ऑर्डर कर देंगे। जो पेमेंट रहेगी वो पेमेंट आपको कर देना है और इस तरीके से आप नंबर प्लेट को मंगवा सकते हो। आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।